हे गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ सीखेंगे, न कि ब्लॉगिंग करेंगे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि BCA क्या है और आप BCA कैसे कर सकते हैं, क्या BCA के बाद जॉब मिल सकती है, या हम ये भी जानेंगे कि BCA करने के बाद आप किस किस गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा है BCA के लिए। तो गाइस, BCA एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका फुल नाम होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यह एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हमें कोडिंग, डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सिखाया जाता है। गाइस, इसमें हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे हो गया C++, पाइथन, जावा, .NET इत्यादि भाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। और गाइस, यह अध्ययन बिगनर लेवल का होता है, न कि हाई लेवल का होता है। अगर हाई लेवल का करना होता है आपको अलग से कोर्स परचेस करना होता है, न कि हमें BCA पूरी कोर्स एडवांस लेवल तक सिखाती है। इसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में 12th बेस मैथ होती है, जो कि एक नॉर्मल मैथ होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका टॉपिक कम्प्लेक्स होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एंड योर कॉलेजेस। लास्ट में जाते जाते हमें HTML, CSS, वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, न कि हाई लेवल का। हम ये भी जान लेते हैं BCA करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, अगर अच्छे कॉलेजेस या बड़े कॉलेजेस से करना है, आपको अच्छी कोडिंग के लिए करना है BCA, तो आपको मैथ कंपलसरी है। 12th में आपके PCM होना ज़रूरी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप कॉमर्स से भी है तब पर भी हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि कॉमर्स में भी मैथ होता है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि जो कि बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, बट अगर हाई लेवल या प्रोफेशनल लेवल पर कोडिंग करना है तो आपको मैथ आना आवश्यक है, न कि हमें बायो लेकर हम सीधा BCA कर ले। अब बात आती है कि हमें गवर्नमेंट से करना चाहिए BCA की या प्राइवेट कॉलेज से। देखिए, अगर कॉलेजेस अच्छे हैं, बड़े लेवल के हैं, तो उनकी फ़ीस एक्चुअली महंगा होगा, आपको भी पता होगा। और याद रखिएगा, आपको जब भी BCA करना है 40-50 के अंडर में ही करना है BCA, न कि उससे हाई लेवल पे, क्योंकि उससे हाई लेवल पे आप करने जाएंगे तो उससे अच्छा है कि आप BTech कर लीजिए, क्योंकि BCA से बहुत अच्छा, कई गुना अच्छा है BTech। मानता हूँ कि ये कॉलेज हर कॉलेजेस पे लागू नहीं होता है, बट एक अच्छे कॉलेज से BTech किया हुआ BCA से बहुत आगे होता है, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी में जाएंगे तो आप BCA के बेस पे बहुत कम ही जॉब मिलती है और BTech के बेस पे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो मुश्किल हो जाती है IT सेक्टर में आजकल जॉब पाना, और ख़ासकर BCA स्टूडेंट के लिए। तो आप ये मत सोच कि BCA नया कोर्स है, इसमें हम इन्वॉल्व होते जाए BCA कर लेंगे तो हमारा जॉब फिक्स ही है। कोई फिक्स नहीं है, हमारे सीनियर थे, इतने लोग सीनियर थे, किसी का पैकेज नहीं हुआ है। ये डार्क रियलिटी है कॉलेजेस की, हमारे नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे जुटे हुए हैं। जब से हमारा YouTube चैनल बना है तब से BCA स्टूडेंट हमसे बहुत जुट चुके हैं, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, नोएडा, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ सब हमको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, बोल और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि BCA कैसा है, क्या जॉब करना चाहिए, खुद से हमें काम करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने बात किया है कि अगर हम लोग को जॉब नहीं मिलती है तो हम खुद से भी काम कर सकते हैं। ये रियलिटी है आजकल कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आजकल कंप्यूटर वालों के लिए तो BCA क्या, BTech वालों को भी नहीं मिला, क्योंकि गाइस देखिए, तरह तरह के AI आ गया है, वो खुद ही कोडिंग लिख रहा है, जो कि हम BCA में नहीं सीख पाते हैं, कोडिंग वो नहीं कर पाते हैं, वो AI कर दे रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग वेबसाइट बना रहे थे ई कॉमर्स की, और उसमें इतना टाइम लग रहा था और इतना थोड़ा कोडिंग करना पड़ रहा था, और वही काम AI ChatGPT मात्र 3 सेकेंड में वो लिख कर दे दिया कोड। आप सोच सकते हैं कि AI किस लेवल पहुंच चुका है। अगर आप कोडिंग कंप्यूटर क्षेत्र में जॉब पाने के लिए सीख रहे हैं तो आप मुश्किल है बहुत, आप नॉलेज गेन करने के लिए स्किल पे काम करिए, तब जाके आपको कोई कंपनी लेगी, ना कि BCA करके। बात आती है कि हमें BCA करके हमें MCA करना चाहिए या किसी कंपनी में जाओ। देखिए, अगर आपका मैथ अच्छा है और आपकी घर की स्थिति ठीक ठाक है या पैसे से हैं, तो आप MCA ज़रूर करिएगा, क्योंकि BCA के बाद कंपनी में जॉब मिले या जिन मिले, लेकिन MCA करने के बाद 80% आपका डिमांड बढ़ जाता है। तो अगर आपकी मैथ ठीक है, प्रोग्रामिंग भी ठीक है, तो आप MCA कर सकते हैं, MCA बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके घर की स्थिति नहीं ठीक है तो आप अपना स्किल डेवलप करिए BCA में ही, और तब जाके आप किसी कंपनी में आप कर पाएंगे। और गाइस, हम ये भी जान लेते हैं कि BCA करने के बाद किस गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। BCA एक ग्रेजुएशन कोर्स है, तो आप इसमें ग्रेजुएशन करने के बाद आप हर सेक्टर में जा सकते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे ऐसे सेक्टर में जा सकते हैं, SSC, CGL, बैंकिंग,
और रेलवे, बट रेलवे और बैंकिंग में ज़्यादा डिमांड रहेगी आपकी, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज और कोडिंग नॉलेज, बहुत सारी ऐसे नॉलेजेस आपको जो कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं वहाँ पे काम आएगी। और गाइस, जिनको लगता है कि आप बीसीए करके आप बहुत बड़ा 30 मार्का कर लिए हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ पे जब बीसीए में आएंगे 6 महीना साल भर रहने के बाद आपकी सारी औकात पता चल जाएगी कि आपका बीसीए में क्या स्थिति रहती है और जॉब लगेगी नहीं लगेगी। आजकल लड़के देख रहे हैं भरे पड़े हुए हैं, कोई कोर्स करो या ना करो बीसीए जरूर कर लो, बीसीए कर लो, बीसीए करने बाद हो ही जाता है। तो गाइस, ये आपका मैं डाउट क्लियर कर दूँ, बीसीए ऐसा कोई बड़ा तोप नहीं है कि जो आपको नौकरी दे दे। आपके पास स्किल अगर कोडिंग है तो आप बीसीए करके आप बीटेक वालों से कई गुना आगे जा सकते हैं। ये हमारे कॉलेजेस में हो चुका है एक बार, और ये बीटेक और कोडिंग दोनों के लिए है। अगर आपके पास नॉलेज, स्किल, कोडिंग आती है तभी आपको किसी कंपनी में जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। हाँ, आप कोडिंग सीख के आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं बीसीए करने के बाद। ये रही बीसीए से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन। और गाइस, मेरा है बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट, इसलिए हमें पता है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और हमें कोडिंग और जो भी है, मैं अलग से कोर्स लेके किया हूँ, न कि कॉलेज वाले सारे, जो भी किया हूँ जॉब लगे या जिन लगे डजंट मैटर, बट बीसीए के बाद मुझे एमसीए करना है और एमसीए के बाद ही किसी कंपनी में ज्वाइन होना है। और हमारी टीम बन रही है बीसीए की, आप भी उस टीम का मेंबर बन सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है, आपको मैं लिंक में दे दूँगा और कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर बीसीए के बाद अगर कोई भी लड़का हो जो कंप्यूटर स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस का और वहाँ कुछ काम करना चाहता है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक दूसरे का हेल्प करिए, प्रोजेक्ट पे काम करिए, वहाँ पे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करिए, और अपना खुद पे काम करने के लिए वो ग्रुप है, न कि उसमें बातचीत करने। हमारे ग्रुप बनाने का मकसद यही था कि हमें आगे चल के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो हम आसानी से कर सके। और उसमें उस ग्रुप में गाइस, मैं बहुत सारा ऐसे फ्री का PDF नोट और वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आपको भी ज्वाइन कर लेना करना है तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं, उसमें कोई फीस या वो नहीं है लेने देने की, तो आप फ्री में जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में वहाँ के कोर्सेस और PDF नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको भी कोई ज़रूरी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो जो नॉलेज वाला रहता है अपने ब्लॉग पे, जो कमेंट बेस रहता है, उन्हें बनाता हूँ। ब्लॉगिंग तो मैं ऐसे करता रहता हूँ, और एक मेरा टेक्नोलॉजी वाला चैनल है राहुल टेक्नोलॉजी टीच करके, उसमें मैं बहुत खुरपाती कर दिया यार, उसमें मोड एबीके कैसे बनता है वो बता दिया, और कैसे प्रीमियम लिया जाता है किसी का वो बता दिया। इसकी वजह से उस पर काफ़ी स्ट्राइक आ गई है, 3 महीने के लिए बैन हो गया है, इसलिए उस पर वीडियो नहीं आ पा रही है। तो मैं सोचा क्यों ना अपना इन्फॉर्मेशन थोड़ा इसी चैनल पे शेयर किया जाए, इस पर रीच भी ज़्यादा है तो, और इस पर बीसीए वाले लड़के भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही था कि आप लोग ने कमेंट किया था कि बीसीए क्या है, कैसे करें, गवर्नमेंट है, इतना इसमें सब लोग करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं कमेंट पढ़ पढ़ थक गया, कितना रिप्लाई एक एक करके दूँ। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाए और सबका डाउट एक साथ क्लियर करें। तो गाइस, अगली वीडियो आने वाली है हमारे जूनियर्स के लिए, जिसमें हमें बताएंगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या लैपटॉप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और क्या क्या कैसा रोड मैप होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब मैं बात करूँगा अगली वीडियो में, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ जूनियर्स के लिए एडवाइस रहेगी। तो अगर आपको भी, आप भी हमारे जूनियर्स हैं, अगर कोई भी कॉलेजेस के जूनियर्स हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो, तो हमें हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक बनाऊंगा, आप तुरंत देख लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए